सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का पार्ट 8 डील करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग एलएस कपलिंग के बारे में, जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर भी हम लोग एलएस कपलिंग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जहाँ पे एंडिंग हुआ था, जब हमने लास्ट लेक्चर डाला था, वो तो हमारा स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन था हमारा लास्ट लेक्चर, जिसे हम एलएस कपलिंग भी कहते हैं और इसे हम फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ हमारे एंगल्स वगैरह ड्रॉ किए हुए थे, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो उसी के बेसिस पर हमारा जो वहाँ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हमने क्या करना है, कंसिडर करना है क्या। लेट अस कंसिडर एंगल थीटा, राइट। लेट अस कंसिडर, हमें बेसिकली एंगल फाइंड करना है हमारा एल और जो हमारा एस है उन दोनों के बीच में, और या फिर हम कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन म्यू एल एंड म्यू एस, जो कि हमारा मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम बोलेंगे लेट अस कंसिडर थीटा एल एस, ठीक है। ये जो थीटा एल एस है, इसे हम लोग बोल सकते हैं एंगल बिटवीन, किस किस को बोल सकते हैं, एल एंड एस। एल हमारा क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और एस हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो यहाँ हम इसे एक और बोल सकते हैं एंगल बिटवीन म्यू एल, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल नंबर, राइट। और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मैग्नेटिक मोमेंट एंड म्यू एस, जो कि ये हमारा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। तो इसे निकालने के लिए हमें, मतलब अगर हमारे थीटा एल एस ये हैं, तो हमारा क्या होगा, देन हम कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, राइट, जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, वो होता है हमारा जे से हम उसे डिनोट करते हैं, जे इज इक्वल्स टू एल प्लस एस, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे आपने याद करना है, जो कि हमारा J इज इक्वल्स टू एल प्लस एस। और इसे याद करने की ट्रिक क्या है, बेसिकली जो ट्रिक मैं फॉलो करती हूँ वो ये है कि J अगर सबका बॉस है, ठीक है, J को हम बॉस मानते हैं, तो बॉस क्या होता है, सबका हेड होता है। लाइक कि L से हम मान लेते हैं लार्ज, और इसे हम मान लेते चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, एल सबका बॉस है, तो एल से हो गया लार्ज, एस से हो गया स्मॉल, तो बॉस इज इक्वल टू लार्ज प्लस स्मॉल। ये ट्रिक है इसे याद करने की, बट आई थिंक ये ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज क्या होता है कि ये जो जे होता है, ये हमें ऑन टिप्स याद रहता है कि जे इज इक्वल्स टू एल प्लस एस, तो ये हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, इसके आगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ, ओके मैं नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेती हूँ, ओके। सो इसके आगे हमने क्या करना है, दोनों तरफ इस इक्वेशन को स्क्वायर करना है। हमने क्या लिखा था, जे इज इक्वल्स टू एल प्लस एस था हमारे पास, राइट। तो इसमें दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे, तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारा जे स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं जे डॉट जे स्क्वायर को, और इसे हम लिख सकते हैं एल प्लस एस डॉट एल प्लस एस। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, देन उसके बाद सिंपल सा ये हमारा हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे जे स्क्वायर अगेन, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाले फॉर्मूले से ये हमारा ओपन हो जाएगा, जो कि होगा हमारा एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस टू एल डॉट एस, राइट। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर वन, तो इस इक्वेशन को हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर वन। सो जे हमारा किस तरीके से क्वांटाइज्ड होता है, जे इज क्वांटाइज्ड एज, तो क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग जो जे होता है उसकी वैल्यू होगी हमारी, जे इज क्वांटाइज्ड एज। कैसे होगा, तो जैसे हमारे पास एल का होता है, एल इज इक्वल्स टू क्वांटाइजेशन में अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस वन इंटू एच कट, तो उसी तरीके से हमारा जे भी होगा, जे इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल जे जे प्लस वन इंटू एच कट, एच कट हमारा बाहर से होगा, राइट। तो जे इस तरीके से हमारा क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। इसे थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो जे क्या है, हमारा जो स्मॉल जे है वो है हमारा टोटल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। वेयर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो वेयर, ये जो हमारा स्मॉल जे है, एज ये स्मॉल जे है हमारा नोन एज
टोटल क्वांटम नंबर, टोटल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस जे इज, अब इस जे को हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है वो एक्चुअली होती है मॉड ऑफ एल माइनस एस से मॉड ऑफ एल प्लस एस तक इसकी वैल्यू होती है। अगर हमें इस जे की, स्मॉल जे की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हमें एल और एस की वैल्यूज पता होनी चाहिए, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट वैल्यूज। ठीक है, कहाँ से जे इज इक्वल्स टू एल माइनस एस की जो वैल्यू होगी वहाँ से लेकर जे इक्वल्स टू एल प्लस एस। जैसे एग्जाम्पल लेकर चलते, अगर हमारे पास एल की वैल्यू 2 है, एस की वैल्यू 1 है, तो जे की वैल्यू क्या आएगी हमारी? मॉड ऑफ 2 माइनस 1, दैट इज एल माइनस एस था ना, 2 मॉड ऑफ 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 इज 1, 2, 2 प्लस 1 इज 3, तो 1 से लेकर 3 तक जितनी वैल्यूज होंगी वो जे की, तो 1 से लेकर 3 तक की वैल्यूज होती है 1, 2, 3। ठीक है, तो ये स्मॉल जे की 3 वैल्यूज आएंगी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो ये इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, जो ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये सॉरी, ये वाली जो इक्वेशन है इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम एल डॉट एस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एल डॉट एस की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एल डॉट एस, इसके साथ क्योंकि 2 भी था तो वो हो जाएगा हमारा जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आप एक बार देख लीजिए कि मैंने ये सही लिखा है या नहीं, राइट? तो ये हो जाएगा हमारा एल डॉट एस, क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में भी था, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुए और इक्वल टू के इस तरफ और इस तरफ जब गए तो ये सारी वैल्यूज माइनस की हो गई, राइट? तो यहाँ से हमारा एल डॉट एस कितना आ जाएगा फिर, एल डॉट एस जी, अब जे की वैल्यू क्या होती है हमने अभी पढ़ी थी, ये होती है हमारी जे, जे प्लस 1 माइनस इनटू एच कट भी होता है वो हम ब्रैकेट के बाहर लेंगे। ठीक है, माइनस इनटू एच कट हमने सबके बाहर ले लिया क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली टर्म आएगी, एच कट स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये अंडर रूट होता है, अंडर रूट जे जे प्लस 1, तो ये वाली जो स्क्वायर से वो रूट हट जाएगा तो अंदर यही बचेगा, तो इन सब में यही होता है, एल एल प्लस 1 इंटू एच क्रॉस होता है और ये होता है माइनस एस एस प्लस 1, हमने सिर्फ वैल्यू रखनी है इसकी डिवाइडेड बाय 2, और ये जो है ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसके आगे देखिए, हाँ, तो ये बेसिकली हमारी दो इक्वेशंस आ गई है। यहाँ से नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है इसमें हमारी स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन एनर्जी। अब हमने निकालनी है एनर्जी, तो स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन एनर्जी, इंटरैक्शन एनर्जी, तो ये कैसे लिखेंगे हम? तो बेसिकली ये होती है हमारी डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय एल डॉट एस। तो ये एल डॉट एस निकालने का मतलब ये था कि हमने क्या निकालनी थी, इसकी एनर्जी निकालनी थी, राइट? तो सिंपल सा हमारा इसका फॉर्मूला हो गया डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, मैं को ऐसे अच्छे से लिख देती हूँ, थोड़ा सा राइटिंग गंदी हो गई यहाँ पर, यस। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे डेल्टा ऑफ ई इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय एल डॉट एस। तो ये हमारी होगी स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन एनर्जी, स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन एनर्जी, तो ये इस फॉर्मूले से हम देते हैं। तो ये जो ए है ना, इसे हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट, राइट? तो वेयर ये जो ए है, ए इज नोन एज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट, राइट? CoupLing कपलिंग कांस्टेंट, तो इसे हम बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट। अब हमने फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन एल एंड एस, जो हमारा एल और एस है उसके बीच में एंगल। बेसिकली एल और एस क्या था हमारा, ये था हमारा एल और ये था हमारा एस, तो ये हमारी एल एक्सिस थी, इसे हम म्यू एल भी बोलते थे,
और ये हमारा एस था, एस और था, एस वाली एक्सिस थी जिसे हम यू एस भी बोलते थे। तो हमने बेसिकली ये एंगल फाइंड आउट करना है, दोनों एंगल इक्वल है। ये एंगल है हमारा म्यू एल और म्यू एस के लिए, और ये एंगल है एस और एल के लिए, मतलब एल और एस के लिए, जो कि हमारे सेम ही होते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं एंगल बिटवीन एल एंड एस। तो नेक्स्ट जो हेडिंग होगी हमारी वो यही है, दैट इज एंगल बिटवीन एल एंड एस, एंगल बिटवीन एल एंड एस, राइट। तो ये कैसे निकलेगा, तो अभी हमने इक्वेशन टू कंसिडर करी थी जो कि थी हमारी, अब देख सकते हैं इक्वेशन टू क्या थी हमारी, इक्वेशन टू यहाँ पर है, ठीक है। इक्वेशन टू क्या है, एल डॉट एस इज इक्वल टू जे जे प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और इसका मल्टीप्लाई में है एच कट स्क्वायर, जो कि इक्वेशन नंबर टू हमारी। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हमने क्या करना है, तो यहाँ से हमारा फ्रॉम हम लिखेंगे इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू से क्या आएगा हमारा मॉड ऑफ एल, क्योंकि एल डॉट एस खोलना है ना हमने, तो एल डॉट एस को अगर हम खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली मॉड ऑफ एल मॉड ऑफ एस कॉस थीटा। तो ये और क्रॉ अगर यहाँ पर क्रॉस होता तो साइन थीटा के थ्रू ये खुलता हमारा जो वेक्टर है, राइट। तो वेक्टर है तो ये हमारे इस तरीके से ओपन होता है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एस, सॉरी यहाँ से अभी ये हट जाएगा वेक्टर, क्योंकि इसमें हम वेक्टर नहीं लगाएंगे अब, क्योंकि हम लोगों ने इसे ओपन कर लिया है, ये वेक्टर हट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास कॉस थीटा एल एस, इसे हम थीटा एल एस से शो करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा क्या आई थी वैल्यू हमारे पास, जे जे प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू डिवाइडेड बाई टू इंटू एच क्रॉस का स्क्वायर, राइट। यही थी हमारी इक्वेशन टू का यूज़ किया, तो हमने इसे ओपन कर लिया। तो जो ये है हमारा मॉड ऑफ एल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस वन इंटू एच कट, और ये जो हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एस एस प्लस वन इंटू एच कट, राइट। तो इन वैल्यूज़ को हम इधर पुट कर देंगे अब, ठीक है, किधर, इधर इस वाले पे। तो यहाँ से हमारा कॉस, क्योंकि ये वाला टर्म टू के साथ चला जाएगा, जो एल और एस वाली टर्म्स हैं ये हमारी टू की डिनोम मतलब इधर चली जाएंगी। तो बेसिकली हमारा काम है कॉस थीटा एल एस, ये इसके सबस्क्रिप्ट में है। तो ये बन जाएगा हमारे पास जे जे प्लस वन, क्योंकि ये पहले से ही हमारे पास एल एल प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन, राइट, इंटू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन अपॉन में ये हो जाएगा टू के साथ मॉड ऑफ एल मॉड ऑफ एस, राइट। तो ये वैल्यूज को हमने इधर पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा एल एस इज इक्वल्स टू, फिर से हो जाएगा हमारे पास जे जे प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन डिवाइडेड बाय, आई थिंक कि मुझे दूसरे पेज में लिखना पड़ेगा, ओके ट्राई करती हूँ क्या पता लिखा जाए। यह हो जाएगा हमारा टू अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस वन इंटू एच कट इंटू अंडर रूट ऑफ एस एस प्लस वन इंटू एच कट, राइट। तो यहाँ से भी हमारे पास दो एच कट आएंगे, एक एच कट एच क्रॉस यहाँ पर था, तो ये हमारा कट हो जाएगा। तो होपफुली मैं यहाँ पे लिख पाऊँ आई गैस। तो देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा एल एस जो है ये सबस्क्रिप्ट में है, कॉस थीटा एल एस। तो ये हो जाएगा हमारे पास जे जे प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन, एच क्रॉस से एच क्रॉस जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर से जाएगा, ये बचेगा टू हमारे पास अंडर रूट एल एल प्लस वन इंटू अंडर रूट एस एस प्लस वन इंटू एच क्रॉस स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विथ कॉस थीटा एल एस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा तो ये सिंपली हमारे पास यही बन जाएगा जे जे प्लस वन
माइनस एल एल प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन अंडर रूट ऑफ टू अंडर रूट एल एल प्लस वन। होपफुली कि आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, बट नहीं आ रही है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत इजी कैलकुलेशन, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको कोई भारी पत्थर तोड़ना है, इट इज़ जस्ट लाइक कि ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, राइट। तो सिंपली अब हम निकालेंगे कॉस थीटा एल एस निकल के, अब हम निकालेंगे कॉस थीटा एल जे, फिर हम निकालेंगे कॉस थीटा एस जे, राइट। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा कुछ करेक्शन करना है, वो करेक्शन ये है कि हमें जो हमारा टर्म हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पर एल एस है तो हमने एल एस का यूज़ किया, एल जे है तो हमने एल जे किया, एस जे है तो हमने एस जे किया। तो सिंपल सा देखिए, इसे लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमारा निकला कॉस थीटा एल एस पेन, राइट। जैसे हमारा अभी निकला था कॉस थीटा एल एस, जो कि निकला था हमारा जे जे प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ दिस एल एल प्लस वन इंटू अंडर रूट ऑफ ये एस है तो यहाँ पर एस एस प्लस वन। तो सिमिलरली यहाँ से हम क्या करेंगे, बाकी भी निकाल सकते हैं हमारा, राइट। कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। हमें इसी इक्वेशन में, जो ये इक्वेशन हमारे पास बनकर आई है, इसी में हमें कुछ चेंजेस करना है, और वो चेंजेस ये हैं कि जो हमारा प्लस या माइनस का कुछ चेंज होगा इसमें हमारे। जैसे अब हम निकाल रहे हैं कॉस थीटा एल जे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सिमिलरली सेम प्रोसीजर होगा जैसे हमने इससे पहले फॉलो किया है। तो सिमिलरली कॉस थीटा एल जे, कि जी हमारा कैपिटल है तो एल जे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा जे जे प्लस वन, यहाँ पर आ जाएगा इसमें प्लस एल जो नहीं है वो वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। जैसे यहाँ पर जे नहीं था तो जे वाला टर्म प्लस में था, राइट। तो इधर बीच में और कहीं प्लस नहीं था, अब यहाँ पे एल वाला टर्म प्लस में हो जाएगा, एल एल प्लस वन। ये एक एक्चुअली ट्रिक है, ऐसा कोई वो नहीं है कि इसे प्लस में ही होना है, ये तरीका है इसे सॉल्व करने का, राइट। फिर ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा, जब हमारा एल और जे है तो डिनोमिनेटर में एल एंड जे ही आएगा यहाँ पर हमारा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा टू अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस वन डॉट अंडर रूट एस एस प्लस वन, राइट। नेक्स्ट सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमारा एक और हमारा जो होता है वो हमारा किस किस के बीच में निकलेगा, एंगल बिटवीन ये होगा हमारा एस एंड जे के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे इम्पॉर्टेंट भी लिख सकते हैं, ये जो रिलेशंस जो हम कर रहे हैं अभी, तीनों ही रिलेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिमिलरली अब कौन सा निकालना है हमने, कॉस थीटा एस जे, ठीक है। एल एस हो गया, एल जे हो गया एंड एस जे, तो यहाँ पर होगा हमारा जे जे प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन, दिस इज एल, राइट। और ये हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा एस एस प्लस वन, राइट। तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा टू अंडर रूट एस एस प्लस वन डॉट जे स्मॉल जे जे प्लस वन, जो कि होगा हमारा रूट में। तो आई होप कि ये तीन इक्वेशंस कैसे आई आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि हाउ डिड आई गेट दिस, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ।